हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ओडिया ऑथेंटिक समर ड्रिंक्स। ओडिया में बेल पोणा बोलते हैं, आप इसे मिक्स फ्रूट शरबत बोल सकते हैं। खास करके ये पोणा संक्रांति के दिन बनाया जाता है और भगवान जी के पास भोग लगाया जाता है। बेल खाने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे किडनी के लिए फायदेमंद है, लीवर के लिए फायदेमंद है, खून साफ करने में मदद और कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित रखने में मदद होता है, और कैंसर से बचाव के लिए भी फायदेमंद है, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं बेल खाने से। तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। एक बेल को तोड़ के रखे हैं, अभी साइड कर लिए हैं। एक बाउल में बेल का जो पल्प है स्पून के मदद से निकाल देते हैं। ऐसे ही बेल से सब पल्प निकाल देंगे। अभी सब पल्प ऐसे ही निकाल देंगे। अभी बाउल में सब पल्प को निकाल के रखे हैं। अभी एक ग्लास ठंडा पानी यूज कर रहे हैं। अभी हाथों से ऐसे ही अच्छे से मसल लेंगे। बेल का पल्प से ऐसे ही जूस निकालेंगे। अभी ऐसे ही हाथों से बेल का जो पल्प और बीज जो है ऐसे ही निचोड़ के निकाल देंगे। अभी और एक बाउल में बेल का जूस छान लेते हैं। बेल का बीज या कुछ दरदरा सा होगा तो अच्छे से निकल जाएगा। अभी अच्छे से छान लिए हैं। अभी एक बाउल में दो पके हुए केले को छिलका निकाल के रखे हैं। अभी अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथों में से भी मैश कर सकते हैं, फोक के मदद से भी मैश कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटा छोटा पीस करके काट के भी यूज कर सकते हैं। अभी केले को अच्छे से मैश कर लिए हैं। अभी ये बेल का जूस में मैश करा हुआ केला डाल देते हैं। अभी इसमें हाफ कप ग्रेटेड करा हुआ कोकोनट डाल देते हैं। हाफ कप होममेड पनीर लिए हैं, अभी डाल देते हैं। छेना बोलते हैं भी पनीर को, थोड़ा सा बचा के रखते हैं ऊपर डेकोरेट करने के लिए पनीर को। एक एप्पल को छोटा पीस करके काट के रखे हैं, थोड़ा सा अंगूर को छोटा पीस करके काट के रखे हैं, दो से तीन चम्मच अनार के दाने लिए हैं। अभी सभी चीजों को इस बाउल में डाल देते हैं। आप कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, आपको कोई पसंद नहीं है कोई फ्रूट्स तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी काली मिर्च का पाउडर एक चम्मच डाल देते हैं। अभी मैं इसमें चीनी मिला रही हूँ। चीनी के जगह पर आप गुड़ यूज कर सकते हैं, आप कैसे मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से चीनी यूज करेगा। अभी मैं 5 चम्मच चीनी यूज कर रही हूँ। अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी मिला रही है अभी। अभी एक ग्लास में पोणा को सर्व करने के लिए निकाल देते हैं। ऊपर से होममेड पनीर थोड़ा डाल देते हैं।
ग्रेटेड करा हुआ नारियल थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। अनार के दाने थोड़ा सा ऊपर से रख देते हैं। अभी हमारा पना रेडी है पीने के लिए। आप इस बेल पना को कोई भी फास्टिंग या व्रत के टाइम पर बना के पी सकते हैं। आज का ये पना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बेल आइकन को क्लिक करिए नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।